नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले HDIL यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके ऊपर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पे शेयर होल्डर बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे 3 अक्टूबर को यहाँ पे जो है फैसला हो सकता है। तो एग्जैक्टली क्या होने वाले पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले। उससे पहले बिग डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक लेते तो खुद का स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली खबर क्या देखने वाले, उससे पहले सिनेरियो समझ लेते हैं। जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में, जो नए नए लोग आते हैं उनको जो न्यूज़ है वो समझने के लिए बहुत ही आसानी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा जो HDIL कंपनी है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे बैंक से पैसा लिया था अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, लेकिन इनका बिजनेस चला नहीं। तो इसके अलावा जो बैंक से उनका पैसा डूब गया, तो बैंक्स का पैसा डिफॉल्ट होने के बाद बैंक्स कहाँ पे चले गए अपना पैसा मांगने के लिए, यहाँ पे NCLT में चले गए। तो NCLT मतलब एक कोर्ट जैसे रहता है। यहाँ पे NCLT दो टाइप के ऑर्डर रहते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर रहता है, यहाँ पे जो बैंक से इनको बोलते हैं आप एक अच्छा रेशन प्लान लेके आओ और जो HDIL जो कंपनी है इसको बचाने की कोशिश करो। तो इस केस में क्या होता है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनी आती है और यहाँ पे HDIL के ऊपर बिड लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बड़े कंपनी रहते हैं यहाँ पे बहुत ही सस्ते प्राइस पे HDIL को खरीदते हैं। इसके वजह से जो बड़े कंपनी को बहुत ही छोटी कंपनी बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिलते हैं और जो बड़ी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे बैंक्स को भी उनको पैसा मिलता है, उसके बाद जो मतलब रेशन प्लान पास होता है और एक बड़ी तेजी आ सकती है स्टॉक में। बीच में आपने देखा रहेगा अदानी का नाम सामने आ रहा था, इसके वजह से स्टॉक लगातार रॉकेट ही बनता जा रहा था। बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए थे कंपनी ने 1 या 2 महीने के अंदर, लेकिन वापस से यहाँ पे न्यूज़ सामने आए नहीं, स्टॉक लगातार गिरता ही गया। ये तो हो गया पहला न्यूज, मतलब पहला प्लान NCLT में होता है। और जो दूसरा प्लान रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा यहाँ पे लिक्विडेशन, अगर कोई बड़ा प्लेयर सामने आता नहीं और यहाँ पे HDIL को खरीद नहीं लेता तो क्या हो जाता है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और मार्केट से गायब हो जाती है और आपका पूरा जो पैसा है यहाँ पे जीरो भी सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क है, रिवॉर्ड है, आपके ऊपर डिपेंड है कितना पैसा लगाना है कितना पैसा नहीं लगाना है। तो जो न्यूज़ है ब्रेकिंग न्यूज़ उसको कवर कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए BSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 27 तारीख को एक आर्टिकल अपलोड किया गया है। यहाँ पे कंपनी यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। कौन से क्वार्टर के रिजल्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे March 31 के, मतलब जो Q4 था यहाँ पे 2021 का, उसके रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले कंपनी। तो देखिए जो रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाले, यहाँ पे 3 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले 2 बजे तक। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार खबर, तो देखना पड़ेगा HDIL कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट 2021 के जो पेंडिंग थे अभी तक उसको डिक्लेयर करने वाले। अगर कंपनी को थोड़ा बहुत भी यहाँ पे जो मतलब जो उनका जो सेल्स रहता है यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे ग्रोथ दिखती है तो वापस एक स्टॉक में थोड़ी तेजी आ सकती है। देखिए यहाँ पे कंपनी को तो नेट प्रॉफिट होने के चांसेस कम है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, उसके बाद कंपनी का बिजनेस लगभग यहाँ पे 70% ज़्यादा बंद है। तो ऐसे कंपनी क्वार्टर के रिजल्ट में रहते हैं, Q2 रिजल्ट इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाती, ऊपर से कंपनी बैंकक्रप्ट है। तो अभी तक फिलहाल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। मतलब तो आपको क्या करना पड़ेगा, आने वाले समय में Q2 और जो Y2Y रिजल्ट आते हैं उसको भी ट्रैक रखना पड़ेगा। जो न्यूज़ आते हैं जैसे कि कोई कंपनी आती है और HDIL को खरीदती है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे न्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि कार प्रोडक्शन भी होता है, पुराने शेयर का क्या करना है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अलग अलग न्यूज़ आ सकते हैं, उसके ऊपर स्टॉक का प्राइस रिएक्ट कर सकते हैं। लगभग जो स्टॉक है लगातार 2 दिन से रॉकेट बनता जा रहा है, लगभग 10% से ज़्यादा रिटर्न दे कंपनी ने पिछले 2 दिन से। ये तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कितना पैसा लगाना है, सिर्फ सीखने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगा के चल सकते हैं। ये तो था आज का न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।